यार सब्सक्राइबर मत पूछो, बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। बहुत मजा आया भैया, बढ़िया भाई, मजा आया, ठीक है। और सब है भैया मैच रहा। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग और जा रहे हैं आज 11 शिकारियों से दूसरा मैच है ये। 11 पिछले संडे भी हम 11 शिकारी से पिछले से पिछले संडे हम 11 शिकारी से खेले थे, क्योंकि पिछले संडे तो हम गॉड लाइक 11 हमारी जूनियर टीम है एक, उनसे हम लोग खेले थे। तो जो हम पिछला मैच खेले हैं 11 शिकारी से, हमने उनको शिकस्त दिया था एक रन से मात्र। मैच बहुत टक्कर का हुआ था और फाइनली देखते हैं इस बार 11 शिकारी हमारा शिकार कर पाएंगे या फिर से हम उनका शिकार करेंगे। हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, दोबारा से जीतेंगे। ब्लू ब्लेड वी वन द मैच। तो देखते हैं क्या होता है। एंड निकल चुके हैं, बहुत भाई बहुत कीचड़ है, बहुत बारिश हो रखी है गली में। देखो पीछे, देखो आप पीछे देख रहे हो सब, बहुत 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 गंदा हो रखा है। अब पीछे देखते हैं कैसी होगी। रोहित का वेट कर रहे हैं, रोहित आ जाए उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं ग्राउंड पर। पहुंच चुके हैं यहाँ पर ग्राउंड पर और पिच अभी अभी उन्होंने रोलर चला करके सही किया है। और तो ये पूरा जुगाड़ बना रहे हैं, जहाँ जहाँ गीला वहाँ वहाँ मैट बिछा रहे हैं। और अब लगभग प्लेयर्स पहुँच रहे हैं, अब अपोजिशन टीम भी पहुँच गई है 11 शिकारी। और संदीप भैया भी आ गए हैं जो उनके कैप्टन हैं। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ खोल रहे हैं वार्म अप। वो देखो वहाँ पे आलोक, गगन, आनंद अंकल, अंकित भैया और मोनू सब प्रैक्टिस में लग चुके हैं। अच्छा शॉट यहाँ पर, और देखते हैं मैच में क्या करते हैं। तो बढ़िया बढ़िया, जोश पूरा है। आज हमारे कैप्टन है शिवांशु भाई। तो पहला मतलब पहला मैच है एज अ कैप्टन भाई, कैसा लग रहा है? अभी बस पता चलेगा मैच के बाद। आशीर्वाद लेते हुए, आशीर्वाद ले चुके हैं, लेकिन अब बताओ क्या प्लान है आज के लिए? पिच तो अच्छी लग रही है, बॉलिंग करना चाहेंगे हम पहले। पहले बॉलिंग करना चाहोगे? तो चलो फिर टॉस कर ले, चलिए चलो आओ और देखते क्या आया है। टेल्स भाई जीत चुके हैं, बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करके हमने फील्डिंग का फैसला लिया हमारे कैप्टन ने शिवांशु ने, और शिवांशु आज टीम को लीड करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई शिवांशु की कैप्टनशिप में खेलेंगे आज? हम टाइम से अलग अलग कप्तानों के अंदर खेलने का अनुभव मिल रहा है, पिच भी अच्छा है और बाउंड्री हमारी बहुत बड़ी है। पिच तो अच्छा है पर बस ग्राउंड मतलब जो गीला गीला, बस मतलब यही जो बारिश की वजह से था। देखो इसमें अब गिरने पड़ने मजा ही आएगा ना, ठीक है देखते हैं। अब देखते हैं हमारे स्ट्राइकर बॉलर, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आकाश या रोहित किसी को एक रहेगा। आई नो हु इज स्ट्राइकर बॉलर, सो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर द होल टीम। ओके है सच में, सही बात है भाई। चलो ठीक है देखते हैं कैसा होगा मैच। भैया क्या कहना, ट्यूशन टीम के कैप्टन संदीप भैया क्या कहना चाहोगे, आज कैसा रहेगा मैच? आज बैटिंग पहले करेंगे, आज बैटिंग पहले कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग बैटिंग पहले किए थे ना, हमारी टीम बाद में बिगड़ जाती है थोड़ी। इस बार जीत का पूरा है उम्मीद? नहीं तो चांस पूरे हैं, चांस पूरे हैं भाई। देखो जज्बा है, छोड़ूंगा नहीं लेकिन आपको। उनका पहला ओवर शिवांशु कप्तान ने डिसाइड किया कि शुभम चौहान जाएंगे, शुभम भाई हमारे कप्तान, पर आज कप्तानी नहीं कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। फील्डिंग शिवांशु फील्डिंग लगाते हुए, मोनू भैया, अंकित भैया, रोहित मैं कबर पे, हरीप भाई उधर डीप पे बाहर हैं, और इधर गगन, और ये हमारी फील्डिंग। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सोम भाई पहला ओवर के साथ, काफ़ी सरप्राइज है। दो ओवर 17 रन 0 विकेट, और आकाश अब बॉलिंग करने जा रहे हैं थर्ड ओवर। छठा ओवर चल रहा है ये भाई, रिपू बॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 45/2 विकेट हो चुके हैं, एक बॉल बाकी है शायद पावर प्ले के अभी। एंड एक सिंगल, तो पावर प्ले 46/2 पावर प्ले में 46 रन पे 2 विकेट। तो अच्छा खेल रहे हैं अपोजिशन टीम, और बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। थोड़ा ग्राउंड गीला है तो सब फिसल जरूर रहे हैं। आलोक भाई अभी गिर गए थे कीचड़ में लेकिन सब नॉर्मल अभी। तो चलो अब मिलते हैं 77 रन पर 3 विकेट 10 ओवर की समाप्ति के बाद। और मेघांश भी अच्छा खेल रहे हैं, 15-16 रन पे खेल रहे हैं, जो अभी
रनिंग एंड पर खड़े हैं और गगन अब बॉलिंग में कम बैक करते हुए हमारे प्लेयर और तरुण भैया आउट हो गए हैं। यहाँ पर 9 रन बनाने के बाद बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा इंस्टांस है इनका, अच्छे तरीके से शॉट्स लेते हैं और एक अच्छी सफलता हमें मिली है। 91 पे इनके 95 समथिंग है और 7 विकेट हो चुके हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर। आकाश यहाँ पर एक अच्छा कैच पकड़ा था अभी मैंने भाई ना भाई यस, और काफ़ी और मज़ा आ रहा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 107/7 और मैं आ रहा हूँ अब आगे, आकाश करने जा रहे हैं बॉलिंग। और अच्छा शॉट ऑफ साइड में और मिड ऑफ पे शॉट है और यहाँ पर मिस फील्ड राज के द्वारा और बॉल 4 रनों के लिए। तो स्कोर 111 हो गए होंगे। फर्स्ट इनिंग 128 पे समाप्त हो चुकी है, ऑल आउट हो चुके 19वें ओवर में। बहुत अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग, 3 विकेट इस आज अंकित भाई के नाम रहा। तरुण भैया क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही अंकित भाई की आज, लाजवाब। और अभी भी 29 रन का टारगेट है, स्ट्रगल करोगे? वेल बॉल लड़को, 129 शाबाश, मतलब जीतोगे? चलो बढ़िया बॉल, स्ट्रगल हम करेंगे तो तुम करोगे, पूरा हौसला बुलंद है अभी भी तरुण भैया का। कैच भी छोड़े हैं ये, स्पीड में बहुत था। और कैप्टन साहब क्या कहोगे भाई, कैसा रहा अपना प्रदर्शन आज का? ऑसम था, ऑसम था फील्ड, ऑसम। बस थोड़ा सा कैच छोड़ दिया आज एक, और हमारा सिलेंडर लुढ़क गया। ये और क्या कैच किया यार मैंने, मेरे कैच के बारे में यार, कैप्टन साहब मेरे कैच के बारे में भाई। कैच बहुत अच्छा था, बहुत ही टफ था, बॉल दिख भी नहीं रही थी वहां पे, बहुत लो लाइन कैच था, बहुत अच्छे से पकड़ा यार, दिल जीत लिया। चलो अब सेकंड इनिंग दिखाते हैं। कैच के बारे में ऑसम मैन, क्या कैच था यार, वो जो तो शुरुआत में छोड़े थे वो भी अच्छा था। हमारे ओपनिंग बैट्समैन एक तरफ से हमारे अंकल जा रहे हैं आनंद अंकल, और दूसरी तरफ से राज पांडे, और देखते हैं क्या, उम्मीदें बहुत है ओपनिंग जोड़ी जिता के लेकर के आएगी, कोशिश करेंगे लड़के। और डगआउट में सब देखो शांत बैठे हुए एकदम अपने फोन में, ये देखो रिपो अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक सिलेंडर छोड़िए मजबूती का। चलो 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 भाई, भाई कैच छोड़ दी तुमने, शर्म करो, जा रहे हैं वो अपनी बैटिंग, कैच छोड़ दी भाई अल्ट्राटेक ने, बताओ। बॉल की शुरुआत यहां पर मेघांश इधर से और जैसे राज पेस करेंगे, और पहली बॉल पे ही रन आउट होने से बचे हैं। अभी शुरुआत हुई है तो रनिंग बिटवीन द विकेट का सूझबूझ नहीं, सिंगल से शुरुआत की है, बहुत अच्छा कट और थोड़ा संभल के खेलना होगा। 129 का हम चेज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आनंद अंकल दूसरे बॉल को फेस करेंगे भाई। और यहाँ पर टॉप में 7 रन पर 1 विकेट और शिवांशु अब यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, आनंद अंकल आउट हो चुके हैं 0 पर, कॉट बिहाइंड हुए थे और पहली डॉट बॉल, तीसरे ओवर की पहली बॉल शिवांशु, उम्मीदें काफ़ी है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। 5 ओवर के बाद 23 पे 1 है और 90 बॉल में हमें अभी 106 रन चाहिए और अच्छी बैटिंग चल रही है राज की और शिवांशु की अभी तक, उम्मीद है इनसे और अच्छा करेंगे और नज़दीक लेकर के जाए हमें टू विन के। आ चुके हैं और स्ट्राइक लेते हुए शुभम भाई, स्ट्राइक पे 2 विकेट गिर चुके हैं हमारे, डॉक्टर टेप नहीं है, पहली बॉल खेलते हुए सिंगल निकाल लिया। भाटी भैया चल रन अप ले चुके हैं, ये रहे भाटी भैया, शॉट खेला है राज ने, बहुत प्यारा खेला है, एक सिंगल निकलता हुआ,
स्ट्राइक चेंज कंप्लीट हो चुके हैं, 30-2 है हमारे, और हमारे शुभम भाई और राज भाई दोनों इनिंग को आगे बढ़ाते हुए, देखते हैं क्या चलता है। अरे लवली रन लिया, लवली रन। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होता है। हार मिली है हमारी टीम 102 पे सिमट गई। संदीप भैया आज जीत गए हैं, संदीप भैया कुछ बताएंगे। आज 11 शिकारों ने शिकार कर ही लिया। आज हमारी बॉलिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी हमारी, सब भी बॉलिंग भैया 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 कैसा भैया ने भी अच्छा किया आज, बैटिंग भी अच्छी, इनके शॉट्स अच्छे थे ना भैया। चैनल नाम क्या है? चैनल नाम है शुभम चौहान ब्लॉग्स। मैं आपको सेंड करूंगा लिंक, भैया को सेंड करूंगा, भैया शेयर करना ठीक है, करके पूरे के पूरे या सब्सक्राइबर मैं पूछो बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। बहुत मजा आया भैया के साथ, बढ़िया मजा आया ठीक है, और सब है भैया मैच। चलो फिर मिलेंगे कभी इनसे ठीक है। धोनी भैया बोल रहे हैं आपके, ये रहे धोनी। बोले बोला क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तरुण भैया कहां है? तरुण भैया ले बड़ा आदमी बन जा, व्लॉग बनवा ले अपना। मैच हार करके अब आ चुके हैं और यहाँ समोसे मारे जा रहे हैं और कोई नहीं, इस बार लक अच्छा नहीं था, लेकिन चलो एक एक से टाई हो गया अब 11 शिकारियों से। फिर मिलेंगे संदीप भैया के साथ, तो एक साथ अगली बार फिर से अगला चैलेंज रहेगा पर हम उन्हें और फाइनल मैच खेलेंगे एक बार और तभी पता चलेगा कौन सही है कौन गलत। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।